दिश्मी दिश्मी में आपका स्वागत है लगभग दो साल पहले मैंने आपके साथ हॉकिंस डोसा तवा की अनबॉक्सिंग का वीडियो शेयर किया था मैं लगभग दो साल से इसे काम ले रही हूँ दो साल के यूज के बाद ये कैसा दिखता है आज मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी आज हम जानेंगे कि यह प्रोडक्ट वास्तव में पैसा वसूल प्रोडक्ट है या नहीं मेरी अनबॉक्सिंग का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या वीडियो के आई बटन पर देख सकते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी कोटिंग के क्या हाल है क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा था कि इस पर जर्मन टेफलॉन कोटिंग है जो सामान्य कोटिंग से ज्यादा चलती है आज इसके क्या हाल है आप खुद ही देखिए मेरे घर में लगभग हर आठ से दस दिन में डोसा बनता है और जब बनता है तो इसका घोल कम से कम दो बार तो काम आता ही है डोसे के अलावा मैं इसे उत्तपम और चीला बनाने या टिक्की तलने में भी काम लेती हूँ इस पर बनाए चीले का लिंक आप डेस्क्रिप्शन या वीडियो के आई बटन पर देख सकते हैं इतने यूज के बाद इसकी कोटिंग अभी तक सही सलामत दिख रही है अगर आप प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि हर प्रोडक्ट पर वेस्ट ऑफ मनी रिव्यू देने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है मेरी अनबॉक्सिंग के वीडियो के कमेंट्स में भी एक यूज़र ने लिखा था कि उसका पैसा बेकार गया है और इसमें तो सब कुछ लोहे की तवे से भी ज़्यादा चिपकता है पता नहीं उन्होंने कौन सा तवा काम लिया और कैसे काम लिया क्योंकि इसमें तो बिना तेल घी लगाए भी डोसा अपने आप ही तवे से अलग हो जाता है जैसा कि आप वीडियो में खुद ही देख रहे होंगे आमतौर पर लंबे समय के इस्तेमाल के बाद रिवेट्स ढीली पड़ जाती है पर यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है इसी तरह हैंडल भी ढीला हो जाता है क्योंकि मेटल के गर्म होने से प्लास्टिक गर्म होकर ब्रिटल हो जाता है पर यहाँ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हैंडल तवे से मजबूती से जुड़ा हुआ है सबसे बड़ी समस्या जो मेरे पिछले कुछ तवों में हुई वो कोटिंग खराब होने के अलावा उनके टेढ़े मेढ़े हो जाने की थी इससे पहले मैं एक चौक पथरी तवा काम ले रही थी जो लंबे इस्तेमाल के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो गया था इसमें अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि इसकी मोटाई आम तवों से ज्यादा है मेरी समझ से फ्लैट तवों में मुंडे की समस्या कर्वेचर वाले तवों से ज्यादा होती है जब यह आया था तो इसकी निचली सतह भी बहुत चमकदार और कोटेड दिखाई दे रही थी तब मुझे लगा था कि ये फिनिशिंग सिर्फ प्रोडक्ट को आकर्षक बनाने के लिए दी गई है और थोड़े से यूज के बाद ही काली और बदरंग हो जाएगी क्योंकि ये तो आग के सीधे संपर्क में आती है आइए देखते हैं कि इसमें कितना चेंज आया है आप देख सकते हैं कि लगभग दो साल के यूज़ के बाद भी इसमें नई जैसी चमक और फिनिशिंग बरकरार है ये मेरे लिए रियल सरप्राइज था इसका रख रखाव सफाई मैंने इसके मैनुअल के हिसाब से ही की है यानी मेटल के कोचे काम नहीं लिए हैं इनकी बजाय लकड़ी के या सिलिकॉन के पलटे काम लिए हैं सिलिकॉन के किचन टूल्स वास्तव में बड़े काम की चीज़ है अगर आप अब तक इन्हें काम नहीं ले रहे हैं तो मेरा आई बटन पर दिया वीडियो जरूर देखिए नॉन स्टिक तवे को साफ करने के लिए कभी भी स्टील का झामा या एब्रेसिव लगा झामा काम ना लें देसी नुस्खे बताने वाले वीडियो में दवाई के रैपर वगैरह से घिसने की सलाह दी जाती है उसे या ईट या काम लेने की गलती इन बर्तनों के साथ ना करें इनको साफ़ करने के लिए हमेशा इस्पॉन्च या नायलोन का झामा काम लें इन पर कालिक तभी चिपकती है जबकि आप एक ही बार में लंबे समय तक तेल या घी के साथ तलाई करते रहते हैं जिससे तेल गर्म होकर ठोस में बदल जाता है और तवे से चिपक जाता है साधारण घरेलू उपयोग में ऐसा होने की संभावना नहीं है एक बात और आप किसी भी नॉन स्टिक कुर के लिए ध्यान रखें वो ये कि बहुत तेज गर्म करने से कोटिंग खराब होगी ही होगी तेज आंच पर लगातार नॉन स्टिक कुकवेयर चढ़ाए रखने से उस पर खाना और तेल गर्म होकर चिपकेगा और कोटिंग भी खराब होगी क्योंकि तो मेटल और कोटिंग के गर्मी से फैलने की टेंडेंसी अलग अलग होती है तो एक दूसरे से पकड़ खत्म हो जाती है इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर फ्लेम को कम ज्यादा किया जाता रहे ऐसा करना तो नॉर्मल तवे पर भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अच्छे डोसे बनाने के लिए बहुत गर्म या जरूरत से ज्यादा ठंडा तवा दोनों बेकार हैं एक बात और ध्यान रख लें कि किसी भी नॉन स्टिक बर्तन से ये उम्मीद न रखें कि वो आपके बाबा दादी के बर्तनों की तरह पीढ़ियों तक चलेगा अभी तक जितने नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं उन सब की कोटिंग की उम्र कुछ वर्षों की ही है और वो दो बातों पे निर्भर करती है पहली तो प्रोडक्ट क्वालिटी पर और दूसरी आपके काम लेने के तरीकों पर आप पूछेंगे कि इस तवे में कोई कमी नहीं है क्या तो इसकी दो कमियाँ भी जान लीजिए एक बात ध्यान रखें कि ये तवा डायरेक्ट फ्लेम यानी एल गैस पर काम लेने के लिए है इसलिए आप इसे इंडक्शन कुक टॉप पर काम नहीं ले सकते हैं दूसरी बात यह है कि करवेचर वाला तवा होने के कारण आप इसमें रवा डोसा नहीं बना पाएंगे अगर आप ये जानना चाहेंगे कि मेरी इसके बारे में अंतिम राय क्या है इसे खरीदकर मैं पछता रही हूँ या खुश हूँ या मैं आपको इसे रिकमेंड करूँगी या नहीं तो मेरी बेबाक राय सुन लीजिए मेरी राय में ये प्रोडक्ट मेरे लिए पैसा वसूल प्रोडक्ट है ये भी बता दूं कि यह वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है अगर आप डोसा ना बनाते हो तो खाली टिक्की के लिए नॉन स्टिक तवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपसे डोसा लोहे के तवे पर ठीक बन रहा है तब भी चेंज करना ज़रूरी नहीं है पर अगर आप डोसे का शौक़ रखते हैं तो आप लोहे के तवे से निराश हो गए हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर और थर्टी थ्री सेंटीमीटर साइज में आता है पर मेरी राय में शौकीनों के लिए सबसे बड़ा तवा ख़रीदना ज़्यादा ठीक रहेगा अब आते हैं कि इस बात पर इसकी कीमत तब से कितनी बढ़ गई है पहले इसकी एम आर थी और मैंने इसे वन थाउजेंड में लिया था दो साल बाद भी पोर्टल पे इसकी कीमत वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ ही शो हो रही है अगर आप पूछेंगे कि मैं इसके अलावा कोई तवा लेना चाहूँगी तो मेरा जवाब होगा कि रवा डोसा के लिए मुझे ज़रूर एक सूटेबल पथरी तवे की तलाश है जो नॉन स्टिक हो और थोड़े में बाद ही टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए मैंने एक पथरी तवा का ऑर्डर भी किया था पर वो तो जब आया था तभी से ही टेढ़ा था इसलिए मैंने उसे लौटा दिया आखिरी सवाल है कि नॉन स्टिक तवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या इसकी बजाय स्टील या लोहे के तवे काम लेने चाहिए और क्या वो सेफ हैं इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास मैंने अपने एक ट्राई प्लाई कुकवेयर की अनबॉक्सिंग में किया है जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरी दूसरी अनबॉक्सिंग के वीडियो भी आपको मेरे चैनल और अनबॉक्सिंग के प्लेलिस्ट में मिलेंगे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद